दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इस ब्लूटूथ पैनल को चलाने के लिए हमें 3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, मैक्सिमम 5 वोल्ट। अगर उससे ज़्यादा इस ब्लूटूथ पैनल को हम दे दें तो ये ख़राब हो जाता है। लेकिन आप लोगों को इस ब्लूटूथ पैनल के बारे में एक ख़ास बात नहीं पता होगी। देखिए, आजकल जो ब्लूटूथ पैनल आ रहे हैं उसमें अलग से एक ऑप्शन यहाँ पर दे के रखते हैं 12 वोल्ट का, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्राउंड एंड 12 वोल्ट। और यहाँ पर ये इनपुट का है, इसको आप छोड़ दीजिए। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ इसको चलाने की बात करूँगा, तो आज यहाँ पर इसको 12 वोल्ट से चलाने का आपको तरीका बताऊँगा। वैसे नॉर्मली 5 वोल्ट या ग्राउंड से आप इसको हमेशा चलाते हैं, और काफ़ी सारे लोगों ने तो यहाँ पर ट्राई भी किया होगा 12 वोल्ट दे के, लेकिन ये ऑपरेट नहीं हुआ होगा। इसमें हमें एक छोटा सा ट्रिक अपनाना पड़ता है। वो ट्रिक आपको बताने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। नॉर्मली जब इसको आप किसी भी आप एम्पलीफायर में अटैच करते हैं, उसमें आपको 78.05 लगा के 5 वोल्ट बना के इसको देना पड़ता है। वैसे आपने ज़्यादातर 12 वोल्ट के एम्पलीफायर में इसको अटैच किया होगा, उस वक्त वहाँ पर 78.05 लगाना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर ही आप 78.05 लगा के इसे 12 वोल्ट से ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि 12 वोल्ट डायरेक्ट देके इसको चला सकते हैं। वो कैसे? वैसे एक ऑप्शन इसमें बना होता है कि हमें एक छोटी सी आईसी इसमें इंस्टॉल करनी होती है, तभी जाके 12 वोल्ट वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया है तब जाके ये ऑपरेट होता है, मतलब ये वाला तब वर्क करता है। तो यहाँ पर आजकल के ब्लूटूथ में आपको देखने के लिए मिलेगा, हो सकता है आपके ब्लूटूथ में नहीं हो, लेकिन जो ब्लूटूथ नॉर्मली आजकल रनिंग में है उनमें ज़्यादातर ये ऑप्शन दिया है, ताकि आप लोगों को काम करने में सुविधा हो सके, यानी कि कनेक्शन करने में सुविधा हो सके। अब यहाँ पर देखिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर एक और दोनों स्क्रू हमने खोलनी होंगी, उसके बाद ये पैनल हमारा निकल के बाहर आ जाएगा, ताकि सेफ तरीके से हम इसको लगा सकें। यहाँ पर दोनों स्क्रू को मैंने खोल लिया है, अब इस पैनल को हम बाहर निकाल लेते हैं। इस तरीके से पैनल बाहर निकल जाता है, तो इसको रखते हैं साइड पे, और आपको यहाँ पर क्लियरली मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर 78.05 को लगाने के लिए ऑप्शन दिया है। देखिए 78.05, यहाँ पर आप वैसे बड़ी वाली भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन दिया गया है ये SMD के लिए दिया गया है, यानी कि जो 78.05 SMD फॉर्म पे आती है उसी के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। लेकिन यहाँ पर आपको ये वाला भी इंस्टॉल करना मैं बता देता हूँ। देखिए, बीच की लेग को आप इस तरीके से थोड़ा किनारे कर लीजिए, और यहाँ पर जो दो पॉइंट दिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए फ्रंट से दो पॉइंट यहाँ पर दिख रहे हैं, दो को यहाँ पर जोड़ लीजिए, और बीच वाली लेग को पीछे वाले हिस्से में आप जोड़ लीजिएगा। अभी मैं यहाँ पर इसको जोड़ूंगा, उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको चला के भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को बिलीव हो जाए कि ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इस एक्सपेरिमेंट को करने में थोड़ा सा घबराते हैं, क्योंकि यहाँ पर हल्का सा भी इसमें 5 वोल्ट से ज़्यादा चले जाए तो ये ब्लूटूथ पैनल ख़राब हो जाता है और पैसा बर्बाद हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग इस एक्सपेरिमेंट को करने में डरते हैं, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ, ताकि आप लोगों के मन का झिझक दूर हो जाए और आसानी से आप इसमें ऐसी इंस्टॉल कर सकें। ये ऑप्शन उसी चीज़ के लिए यहाँ पर दिया होता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर ये देखिए 78.05 की जो ऐसी है, इसकी पहले मैं तीनों लेग काट के अलग कर लेता हूँ, यानी कि छोटी छोटी कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पर ईजीली इंस्टॉल हो सके। वैसे आपको इसको चला के भी दिखा देता हूँ, सबसे पहले 5 वोल्ट से, यानी कि इस बैटरी से चला के दिखा देता हूँ। ये बैटरी 3.7 वोल्ट की है, आपको बताया था मैंने, 3 वोल्ट से लेके आप इसको 5 वोल्ट तक इसको आसानी से रन करवा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। इसमें थोड़ा सा आपको अलग लाइट दिख रही होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, किसी में आपको रेड कलर का इंटरफेस दिखता होगा, किसी में आपको अलग अलग टाइप का, ठीक है। तो इस टाइप से ये ऑपरेट हो रहा है 5 वोल्ट से। अब यहाँ पर हम इसको कैसे इंस्टॉल करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से फ्रंट में इसको रख लिया है, दो लेग सामने की इस जगह पे हमने सोल्डरिंग करनी है, और एक लेग इसके पीछे वाली इधर पे सोल्डरिंग करनी है, ठीक है, इस तरीके से। अगर आपके पास SMD वाली जो 78.05 है तो वो तो ईजिली यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी, क्योंकि इसी के लिए यहाँ पर जगह बनी है। बड़ी वाली ऐसी को इंस्टॉल करने के लिए आपने ये ट्रिक अपनानी पड़ेगी, तो जल्दी से मैं इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पेस्ट लगा देता हूँ, पहले इसकी इस लेग में, और फिर इस लेग में, और फिर जस्ट पीछे इस लेग में। एक चीज़ आपको बताऊँगा, यहाँ पर जहाँ पर इसके पॉइंट दिए गए जस्ट वहीं पर अभी आपने सोल्डिंग करना है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर ये हो गया, समझ लीजिए आपका पैनल तो ख़राब होगा ही, साथ में आपका ये जो है कोई और प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट जैसा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जहाँ पर इसके पॉइंट दिए गए जस्ट वहीं पर इसको सोल्डिंग आपने करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो फाइनली ये मैंने सोल्डरिंग कर लिया है। अब यहाँ पर इसको एक बार मैं चेक कर लूँगा कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल अपनी जगह पर हुआ है
या फिर नहीं। अब देखिए 7805 में इस तरीके से आपको दिखाता हूँ, 7805 में जो इस साइड का लैग होता है, यानी कि जो तीन लैग में फर्स्ट साइड की जो लैग होती है वो आपकी 12 वोल्ट वहाँ से इनपुट का होती है, और सबसे लास्ट की जो लैग होती है वहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट होती है, और जो बीच की होती है वो ग्राउंड की होती है। बीच की और ये जो बॉडी का ऊपर का हिस्सा है ये ग्राउंड का होता है। तो ठीक है, अब मल्टीमीटर मैं चेक करूँगा और आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले इसके ग्राउंड को हम चेक करेंगे, यानी कि बॉडी वाले को चेक करेंगे, इसको ग्राउंड पर अटैच करके, और इसको भी हम ग्राउंड पर अटैच कर लेंगे। देखिए मल्टीमीटर में यहाँ पर बीप देना चाहिए, ठीक है। अब इसको 5 वोल्ट में अटैच करते हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही, हाँ वैल्यू कैपेसिटर वैल्यू दिखा सकता है, शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। और इधर भी हम ग्राउंड में चेक करते हैं, देखिए फुल्ली यहाँ पर बीप आ रही, बिल्कुल ओके है। और 12 वोल्ट में अटैच करते हैं तो आप कोई भी यहाँ पर ऐसा कोई शॉर्टिंग या फिर कोई वैल्यू शो नहीं हो रही, वैल्यू शो हो सकती है लेकिन शॉर्टिंग शो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 78.0 जो 12 का फर्स्ट वाली लेग है, यानी कि जहाँ से हम 12 वोल्ट इनपुट देते हैं वो, और यहाँ पर जो 12 वोल्ट जहाँ पे लिखा था पॉइंट में, यानी कि देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट जो लिखा था उसको हम चेक करते हैं, तो वहाँ से वहाँ तक कनेक्शन हमारा ओके है, ठीक है। अब जो 5 वोल्ट जो हमारी आउटपुट निकल रही है वहाँ से लेके इधर यहाँ तक का हमारा ओके होना चाहिए। यहाँ पर जो 5 वोल्ट हम इनपुट कराते हैं तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का भी ओके है। इसका मतलब अब हम इसमें 12 वोल्ट इजीली दे सकते हैं और इसको चला सकते हैं। तो अभी यहाँ पर इसको हम पैक करेंगे, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। जैसे हमने इसको निकाला था वैसे इसको लगा लेना है। अगर आपको लगता है कि ऐसी यहाँ पर लग रही है तो थोड़ा सा आगे इसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा बाहर पर भी आ रही है, तो आप क्या कर लीजिए इसको इस तरीके से थोड़ा, मैंने तो लेग ज़्यादा काट ली है लेकिन आप लेग थोड़ा सा कम काट के इसको आगे की ओर को झुका दीजिएगा, तो क्या होगा ये ऊपर ये टच नहीं होगा। इसको कट मत करना वरना हीट सिंक छोटी पड़ जाएगी, ऐसी अगर ओवरहीट होगी तो जल्दी ख़राब हो जाएगी, इसलिए ऊपर वाले हिस्से को मत काटना, यही मैं सजेशन हूँ। वैसे काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर भी आप इसको जितना चाहें उतना आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। वैसे इसमें काफ़ी लंबी चौड़ी इसमें लेग होती है, तो अभी आपको मैं 12 वोल्ट से इसको चेक करवा के दिखा दूंगा। यहाँ पर एक चार्जर है मेरे पास, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ और आपको इसका आउटपुट वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर ये जो चार्जर का है प्लस और माइनस का है, इसको मल्टीमीटर में सबसे पहले आपको चेक करवा देता हूँ कि ये कितना आउटपुट कर रहा है, ताकि आप लोगों को यकीन हो सके, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है या फिर नया देख रहे होते हैं तो उन्हें ये सब चीज़ें फेक लगती हैं, इसलिए क्लियरली उनको मैं दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर 20 की रेंज पर इसको सेट कर लिया है और यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हैं क्लियरली 12.5 वोल्ट यहाँ पर चार्जर से आ रहा है। अब यहाँ पर एक मिनट में चार्जर को बंद कर लेता हूँ ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, और इसको मैं आपस में शॉर्ट कर लूँगा ताकि इसमें कोई भी वोल्टेज ना रहे, फिर इसको मैं चालू करूँगा फिर आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर 12 वोल्ट पे, यानी कि 12 वोल्ट पे हमें पॉजिटिव का कनेक्ट करना है यहाँ पर, तो इसको हम सोल्डरिंग जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पेस्ट लगाऊंगा तब जाके सोल्डरिंग अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो चलिए फिर इसको हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर इसके कनेक्शन मैंने कर लिए हैं, अब इसको हम चालू करते हैं और इसकी वोल्टेज भी आपको दिखाऊंगा। तो इसको ऑन कर लिया मैंने, तो देख सकते हैं इसका डिस्प्ले में हाई लिखा हुआ आ रहा है और ये ऑन हो रहा है। अभी ये AUX मोड पे है, अभी ये कौन से रिकॉर्ड करके लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये ब्लूटूथ मोड है, तो इस तरीके से ऑन हो चुका है। और लगे हाथ आपको इसका वोल्टेज भी मैं चेक करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मल्टीमीटर के दोनों प्रोब्स मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और इसका वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। तो इसको 12 वोल्ट पे, इसको ग्राउंड पे मैंने रख लिया, ग्राउंड पे आप कहीं पे भी रख लीजिए बॉडी पे, तो यहाँ पर आपको वो शो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर 12.26 यहाँ पर दिखा रहा है, कोई भी लोड नहीं ले रहा वरना वोल्टेज कम हो जाता, ठीक है। यहाँ पर अभी भी डिस्प्ले में देखिए ब्लूटूथ लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर आपको फिर लाइव में वोल्टेज का चेक करवा देता हूँ, ये ग्राउंड पे और ये 12 वोल्ट पे, सामने आप देख सकते हैं ये ऑपरेट हो रहा है, ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए ये 12 वोल्ट से ऑपरेट हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए इस वाले पॉइंट पे आपको 5 वोल्ट मिलेगा, देखिए इस वाले पॉइंट पे आपको 5 वोल्ट मिलेगा, देखिए 5 वोल्ट वहाँ पर मिल रहा है। इससे आप अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि ये जो बैटरी इसमें मिल रही है ना, इसको आप इसको लगा के इसमें चार्ज कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये बैटरी भी यहाँ पर चार्ज हो रही है। तो यहाँ पर अभी बैटरी को चार्ज करते समय वोल्टेज यहाँ पर कितना ड्रॉप हो रहा है एक बार उसे भी मैं चेक कर लेता हूँ। एक मिनट, इसको रखते हम
ग्राउंड पे है और इसको रखते हैं 5 वोल्ट पे, तो हाँ अभी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब बैटरी हमारा चार्ज हो रहा है। एक बार मैं बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेता हूँ और चार्ज करने के बाद इसका भी वोल्टेज चेक करूँगा। आज थोड़ा सा तबीयत ख़राब है मेरी, तो आवाज़ में थोड़ा सा आपको दिक्कत लग रही होगी, तो इसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा। यहाँ पर बैटरी का, एक मिनट, अभी वोल्टेज कितना है बैटरी का, लगभग 3.64 समथिंग, ठीक है। अब इसको 5 मिनट में चार्ज, 5 मिनट नहीं मतलब 3 मिनट इसको चार्ज लगाऊंगा। पहले था 3.64, याद रखिएगा 3.64 इसमें चार्ज था। अब देखते हैं, वेट करते हैं 2-3 मिनट का, वैसे ज़्यादा देर नहीं हुआ, सिर्फ 1 मिनट अभी हुआ है, तो बैटरी का वोल्टेज अभी चेक करते हैं। चलिए दोस्तों, बैटरी का एक्चुअल जो वोल्टेज अभी है, देखिए वो है आपका, देखते हैं 3.63, ठीक है 3.63 के समथिंग है। अब इसको चार्ज करते हैं और देखते हैं कि इसका वोल्टेज कुछ बढ़ता है कि नहीं, ठीक है, यानी कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं, तो चलिए देखते हैं। अब बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं, लगभग 1 मिनट तो नहीं हुआ, आधा मिनट हो गया था, क्या पता थोड़ा बहुत तो चार्ज हो ही गया होगा। तो यहाँ पर 64 मतलब थोड़ा सा चार्ज हुआ, एक परसेंट मात्र, 1% भी नहीं कह सकते, 0.1%, 3.64 के समथिंग ये दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम इसे बैटरी चार्जर की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही आपका 7805 काफ़ी ज़्यादा हीट हो सकता है, जैसे कि अभी मेरे को यहाँ पर लग रहा है, जैसे मैंने बैटरी से इसको कनेक्ट करा तो काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है। तो यहाँ पर वैसे जो बैटरी चार्ज करने का मेथड था, इससे आप मत कीजिएगा, ये कन्फर्म आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब ये अभी बैटरी को चार्ज किया तो बहुत ही ज़्यादा हीट हो गया था। तो यहाँ पर इसको आप 12 वोल्ट से ऑपरेट कीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर इसे बैटरी चार्ज करते हैं तो ये आपका 7805 तो ख़राब होगा ही, साथ में ब्लूटूथ पैनल को भी यहाँ पर कोई नुकसान पहुँच सकता है। तो फाइनली इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो या फिर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करना। दोस्तों आजकल स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, हो सकता है 2-3 दिन गैप भी हो सकता है, तो इसलिए आप कोऑपरेट कीजिए, वेट कीजिए। अगर मेरा वीडियो नहीं आता तो ओल्ड वीडियो देख के आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।